अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त 2024 का इलेक्शन बड़े करीब आ रहा है और मैं लगातार अपने बयानात के ज़रिए से भी पूरी कौम को, पूरे भारतवासियों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि अब मुल्क में माहौल ख़राब किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि एक नफ़रत अंगेज़, एक नापाक शरारती फिल्म दी केरला स्टोरी लाई जा रही है, जिसके ज़रिए से फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का माहौल बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि इससे पहले कश्मीर फाइल नाम की एक घटिया किस्म की झूठ पर मबनी फिल्म बनाई गई थी और वहाँ पर भी बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया गया था। अब ऐसी ही एक फिल्म आ रही है, दी केरला स्टोरी, जिसमें यह बताया गया कि 30,000 हिंदू बेटियों का मज़हब तब्दील करवाकर उनको दाइश जैसी आतंकी तंजीम में शामिल किया गया। खैर, इसी को लेकर अब पूरे मुल्क में इस घटिया और नापाक फिल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही है और इस पर बैन लगाने का डिमांड किया जा रहा है। जलगांव शहर में भी मन्यार बिरादरी के जनाब मोहतरम फारूक शेख साहब, ऐसे ही और भी तमाम जलगांव शहर के सियासी, समाजी, मिल्ली जिम्मेदारान एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आए और इन तमाम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में बाकायदा मेमोरेंडम देकर ये मुतालबा किया, ये डिमांड किया कि इस फिल्म पर, जो गालिबन 5 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, जलगांव शहरवासियों ने भी डिमांड किया कि इस फिल्म पर फौरन बंदी लाई जाए, पाबंदी और बैन लगाया जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा इस वक्त जलगांव शहर के कुछ मुस्लिम नुमाइंदों ने। आज हम जलगांव निवासी, सभी क्षेत्रों में कार्यरत, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स में हम जलगांव के मुस्लिम, माननीय जिलाधिकारी कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को एक निवेदन दिया है और उस निवेदन के द्वारा हमने ये सूचित किया है कि 5 तारीख को जो द केरला स्टोरी नाम की पिक्चर रिलीज होने वाली है, उस पिक्चर में जो उन्होंने एक अपने कल्पना से बनाई हुई फिल्म है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि 32,000 लड़कियां, हमारी हिंदू बहनें, को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और उनको जिहाद के लिए लौटा गया और आज उनकी बहुत से कब्रें अफगानिस्तान और सीरिया और ईरान में है, इस तरीके का बता के वो दो समाज में तेल निर्माण करने की या हमारे पिक्चर के डायरेक्टर और वो कोशिश कर रहे हैं। हमने आज माननीय जिलाधिकारी को यही सूचित किया कि अगर वाकई में ये सच है या जंग करते टाइम सामने अगर कोई बूढ़ा या बच्चा या औरत आए तो उस पर वार करने का हुक्म नहीं देता है, तो वो इस्लाम ऐसी लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके उनका यूज़ करेगा क्या, ये सवाल या निशान है। इसलिए हमने आज कहा कि इससे दो समाज में तेल निर्माण हुआ, इसके लिए यह डायरेक्टर और स्टोरी राइटर की चौकसी की जाए, इस फिल्म पर बंदी लाई जाए और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन पर एक्शन ली जाए, ऐसे आज हमने यहाँ जलगांव निवासियों के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को निवेदन दे के ये निवेदन दिया है। शुक्रिया। निषेध कर दो, तसेच या चित्रपटाचे निर्देशक व डायरेक्टर यांच्या विरुद्ध आमच्या धार्मिक भावना दुखवलेल्या आहे, त्याबद्दल आम्ही सरकारला निवेदन करतो की या दोघांविरुद्ध धार्मिक भावना दुखवण्याचा केस रजिस्टर करण्यात यावा, ही आमची राष्ट्रपती महोदयांना मागणी आहे। धन्यवाद। किंवा केरळ फाईल अशा प्रकारचे रिलीज करू नयेत आणि या देशामध्ये संविधानानुसार जाती निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्यकारभार करावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो आणि हे ताबडतोब याच्यावर बंदी आणावी अशा त्याचं आवाहन। आज जलगाव के अंदर बहुत सी संगठनाओं की तरफ से, जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और अन्य संगठनाओं की तरफ से जलगाव जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया कि द केरला स्टोरी 5 मई को जो ये रिलीज़ होने वाली फिल्म है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इस फिल्म में जो बताया गया है कि 32,000 लड़कियों ने जो है धर्मांतर किया, इस्लाम धर्म कबूल करके फिर उनको जो है अफगानिस्तान, सीरिया और दूसरे मुल्क में जो है ज़बरदस्ती को किया गया, आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, अगर इसका ऑथेंटिक पुरावा देखा जाए तो ये सब जो है सरासर झूठ है। ये हकीकत ये है कि ब्राह्मण जो है, मनुवादी जो लोग हैं, ये बनाम मुस्लिम जो है SC ST OBC को का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, डरा रहे,
कि देखो 32,000 को ऐसा कर डाले मुसलमानों ने कुछ करेगा कुछ नहीं करे। यहाँ का जो मूल निवासी यानी ओरिजिनल रहने वाला मुस्लिम है उसने कुछ नहीं करा, लेकिन